हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने वो पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं फटाक से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इससे पहले वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लास्ट सीन में हमने देखा था कि जिन ने माइन के ऊपर ग्लास से हमला किया था जिससे कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने कुछ लोगों को बुलाती है जो कि उसकी बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं, साथ ही उसका फोन भी समंदर में फेंक दिया जाता है। जिन एक इंस्पेक्टर को कॉल करती है जो उसके साथ में मिला हुआ था, जिसे वो बताती है कि लड़ाई के दौरान माइन ने उसके पैर पे कुछ खरोचे मार दी थी। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद वो अपने लोगों से बोलकर मॉर्ग में रखे माइन की लाश को बाहर निकालकर उसके नेल्स को साफ करवा देता है ताकि जिन के खिलाफ माइन की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई भी सबूत ना मिले। सीन शिफ्ट होता है जिन को दिखाया जाता है जिसे होश आता है, बहुत ज्यादा घबराई हुई उठती है और युआन से बोलती है कि डॉक्टर तुमने मेरे साथ में आखिरकार किया क्या है। युआन बोलता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस बेहोश थी। लेकिन वो तो जानती नहीं थी कि युआन ने उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगाया था जिससे कि उसने युआन के सामने अपने सारे गुनाहों को ही बेहोशी की हालत में कबूल कर लिया है। जिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसलिए वहाँ से तुरंत 9:11 हो जाती है। यहाँ डोंग योंग के साथ में होती है, उसने अपने सारे जख्म उसको दिखा दिए थे, साथ ही बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दो। लेकिन योंग ये कह के मना करने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि जिन ने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो ठीक नहीं है, बट ना जाने क्यों मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। नेक्स्ट सीन में डोंग मेट से बात कर रही होती है क्योंकि उसने उसकी बेटी के फॉरेन जाने के लिए सारी टिकट्स बुक करा दी थी, जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश भी होती है। लेकिन तभी डोंग नोटिस करती है कि उसके सामने गार्डन में एक आदमी जो कि शायद उसी स्कूल का टीचर था, वो छोटे छोटे खेलते हुए बच्चों की गलत गलत फोटोज निकाल रहा होता है जिसमें जिन की बेटी भी होती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि वो आदमी भी जानता था कि डोंग उसी पे नजर रखे हुए है। जिनकी बेटी सोल गुस्से में आकर लैपटॉप को पानी में फेंक देती है क्योंकि उसे रेड एप्पल और ब्लैक एंड व्हाइट एप्पल सेम ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि आखिरकार वो एक कलर ब्लाइंड जो है, जिससे कि वो बेचारी बच्ची बहुत ज्यादा परेशान भी हो गई थी और इसीलिए उसने ऐसा किया था। यहाँ मेट को डोंग के भेजे हुए फॉरेन कंट्री के टिकट्स मिल जाते हैं जहाँ मेट की बेटी जाने वाली है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि डोंग ने उसकी बेटी का वहाँ पर रहने के लिए सारा इंतजाम भी करके रखा हुआ है क्योंकि एक फैमिली उसे वहाँ पर अडॉप्ट करने वाली थी। ये सब कुछ जानते ही मेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी बेटी की जिंदगी जो सुधरने वाली थी। वहीं युआन के हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय जिनकी मॉम को जाकर सब कुछ बताने लग जाता है कि डायरेक्टर का बेटा यानी कि युआन जिया की बॉडी को ढूंढ रहा है और वो उस पर नजर बनाए रखे जो कि अभी फ्रीजर में रखी हुई है, क्योंकि वार्ड बॉय जिनकी मॉम से मिला हुआ था और हॉस्पिटल में जिया की बॉडी की हमेशा निगरानी रखता था। और ऐसे ही रास्ते में एक बार जाते हुए जिनका सामना युआन से हो जाता है जो कि उससे बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं उस दिन होश में नहीं थी, वैसे मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था। युआन भी उसकी बात को घुमाते हुए बोलता है कि तुम बस माइन लैम के एक इंसान का नाम ले रही थी और उससे ज्यादा तुमने कुछ भी नहीं कहा। जिसके बाद जिन सीधा अपने हस्बैंड योंग के पास पहुंचती है और उसे बहुत ज्यादा भला बुरा बोलने लग जाती है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया है क्योंकि तुम डॉग के साथ में गो गेम खेलते हो और वैसे तुम दोनों के बीच में ये सब कुछ कितने टाइम से चल रहा है। योंग को जिन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, बोलता है कि मैं तो सिर्फ उसके साथ में गेम ही खेलता था ना, लेकिन तुम्हारा और जिन का क्या रिश्ता है वो सब कुछ मैं अच्छे से जान चुका हूँ, सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। वहीं जब दूसरी तरफ हारी अपने जॉब से वापस आ रही होती है तो उसे माइन की वही वाली रिकॉर्डिंग मिल जाती है जो उसने जिन के साथ में मरने से पहले की थी। लेकिन ये लड़की इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जिन सीधा मेट के घर पहुंच जाती है, उसे बहुत ज्यादा धमकाते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे अपने गुंडे लगा रखे हैं जो कि मुझे हर चीज की हर पल खबर देते रहते हैं। जिसे कि मेट बहुत ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। जिन बोलती है ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा कि डोंग के साथ में कौन कौन मिला है, कौन इसकी हेल्प कर रहा है। मेट बोलती है कि एक लड़का तो है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन उसके बारे में जल्दी आपको पता करकर सब बता दूंगी। जिन वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जिन की मॉम अपने इंस्पेक्टर दोस्त को बता देती है कि युआन को जिया और उसकी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद इंस्पेक्टर अपनी चाल चलता है पुलिस स्टेशन में जाकर ये झूठ न्यूज फैला देता है कि युवा ने अपने हॉस्पिटल में 18 साल से एक डेड बॉडी को इलीगल तरीके से रखा हुआ है, जिससे कि इसके हॉस्पिटल पर केस हो जाता है। वहीं मेट की बेटी एयरपोर्ट पर अपनी मॉम का वेट कर रही होती है, लेकिन मेट का हस्बैंड उसे घर पे बहुत ही पीट रहा होता है, उसे बोलता है कि हमारी बेटी को तुमने कहाँ भेज दिया, और इसी चक्कर में वो अपनी बेटी से मिलने के लिए एयरपोर्ट पे नहीं जा पाती है। साथ ही जिनके गुंडों ने भी उस पर नजर रखी हुई थी, उसके सारे पैसे भी छीन लेता है और उससे पूछता है कि ये सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए।
और उसका फोन लेकर किसी को मैसेज करने लग जाता है, क्योंकि मेट ने कहा था कि मैं जिसे मैसेज करती हूँ वही मुझे पैसे भेजता है। यहाँ जिन की मॉम जो केक शॉप में होती है उनके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी ने एक खून किया है और उसने जिया को मारा है, जिससे जिन की मॉम की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। दोस्तों, ये मैसेज कोई और नहीं बल्कि मेट का हस्बैंड ही कर रहा होता है, और ऐसा करने के लिए उससे मेट ने ही कहा था, बोला था कि ये मैसेज लिखने से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हाउ स्मार्ट। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एक आदमी को माइन की बॉडी की रखवाली करने के लिए बहुत सारे पैसे दे रहा होता है, ताकि लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता ना चल सके। लेकिन तभी युवान वहाँ पर डोंग को लेकर पहुँच जाता है, जहाँ डोंग बोलती है कि कहीं ये तो नहीं समझते ना कि मैंने माइन का खून किया है। युवान बोलता है कि मुझे अब इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बोलने पर मैं अब किसी का खून भी कर सकता हूँ। डोंग पूछती है लेकिन ऐसा क्यों, जहाँ वो बोलता है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ फाइनली युवान ने अपना लव कन्फेशन डोंग के सामने ही कर दिया था। वही फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि स्मॉल हाउस के बारे में मेड ने ऑलरेडी डोंग को पहले ही सब कुछ बता दिया था, क्योंकि वो इंस्पेक्टर के ऊपर नजर रखे हुई थी, जिससे कि डोंग भी समझ गई थी कि माइन की बॉडी भी यहीं पर छुपा कर उन्हें रखी होगी। ये बात फिर उसने युवान को बता दी थी, और युवान ने ये मॉर्ग हाउस ही खरीद लिया था जो कि सालों से यहाँ पर बंद पड़ा हुआ था, जहाँ उन्हें माइन की डेड बॉडी भी मिल गई थी। साथ ही उन्होंने उस आदमी को भी अपने साथ में मिला लिया था जो कि उस बॉडी की रखवाली कर रहा था, जिसने भी थोड़ी देर पहले ही इंस्पेक्टर से पैसे लिए थे। वहीं फिर हॉस्पिटल का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन युवान से अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए पहुंची हुई थी, जहाँ युवान ने उसे बेहोश करके उसके पैर में से छोटा सा स्किन का टुकड़ा निकाल लिया था, जहाँ माइन ने अपने हाथों से स्क्रैच मारे थे। वहीं दूसरी तरफ जिन जाकर दोबारा मेट से मिलती है और उस लड़के के बारे में पूछती है जो कि डोंग के साथ में मिला हुआ है, जहाँ फाइनली मेट युवान के बारे में उसे सब कुछ बता देती है कि वो एक डॉक्टर है और हॉस्पिटल में काम करता है। ये सुनते ही जिन के पैरों से तो जमीन ही निकल जाती है, वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। यहाँ डोंग ने जिन को एक पेंड्रल भेजी हुई थी और उसे फोन पे बोल रही होती है कि इस पे वो सारे सबूत है, जिससे ये साबित होता है कि स्कूल में कोई टीचर तुम्हारी बेटी को मुलस करने की कोशिश कर रहा है, जिससे जून को तो बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जाकर टीचर को ढूंढ कर उसकी बहुत ही बुरी तरह सबके सामने उसे बहुत बेरहमी से मारा होता है, जिसे सियोल भी देख लेती है। ये बात वो अपने डैड को फोन करके बता दी थी, जिससे कि योंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेट का हस्बैंड उसको अपने साथ में एक जगह पर शॉपिंग के लिए लेकर गया हुआ था, साथ ही बोलता है कि अब मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं क्योंकि मैं उस लेडी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। और ये जानने के बाद कि उसने दो लोगों का खून किया है, वो तो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि अब तो मुझे डबल पैसे मिलेंगे। वहीं जून को पकड़कर पुलिस अपने साथ में ले गई थी क्योंकि उसने टीचर की जमकर धुलाई चुकी थी। योंग भी वहाँ पर अपने बगेल के साथ में आ जाता है और जून और उस टीचर के बीच में सेटलमेंट करवा देता है, साथ ही बोलता है कि वो बेटी मेरी है और तो इसलिए तुम्हें इन सब मामलों में बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जून उसे बोलता है कि तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि सोल मेरी बेटी है, जिससे योंग को काफी गुस्सा आता है। जून को जोर से पंच मारता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। घर आने के बाद जिन योंग से पूछते हैं कि स्कूल में आखिरकार हुआ क्या था, जिससे योंग को काफी गुस्सा आता है, बोलता है कि आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड सोल के स्कूल में मारपीट करने के लिए पहुंच गया था और वो उसका डैड बनने की भी कोशिश कर रहा था, जिससे कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जिन बोलती है कि मैं तो बस अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योंग ये बोलकर गुस्सा करने लग जाता है कि वो तो सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुका है क्योंकि सियोल मेरी नहीं बल्कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड जून की बेटी है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के पास ये वाली खबर पहुंच जाती है कि डोंग ने डायरेक्टर को रिश्वत देकर ही इस स्कूल में जॉब पाई है और इसलिए वो सब डोंग को स्कूल से निकलने के लिए कहते हैं। और गाइस, ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डोंग की मॉम मीहो ने ही जिन के कहने पर करवाया था, जिससे कि डोंग को बहुत गुस्सा आता है, अपनी मॉम के साथ में लड़ रही होती है, साथ ही उनका सामान भी फेंकने लग जाती है जो मॉम ने जिन से बहुत सारे पैसे लेकर खरीदा था। दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है, जिससे मॉम डोंग के मुंह पर जोर का कट मार देती है, जिसके बाद डोंग अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और जाकर रोने लग जाती है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, जहाँ पर जिन भी पहुँच आता है और डोंग को गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन तभी युवान उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मार देता है और उसे बाहर आकर सॉरी भी बोलता है। वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और इतने में ही डोंग वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। मॉर्निंग में डोंग एक चर्च में पहुँच जाती है, जहाँ पर मेड भी होती है, और ये बात वो सीधा फोन करके जिन को बता देती है। लेकिन जिन बोलती है कि चर्च में जाना तो नॉर्मल बात है, जहाँ मेड बोलती है कि उस चर्च में सारा भी है, जिससे कि जिन काफी शॉक हो जाती है। सारा जिन की वही दोस्त है दोस्तों, जिसे ड्रग्स की बहुत ही ज्यादा बुरी लत लगी हुई है।
और वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकती है। डॉग ने सारा को एक ड्रग और इंजेक्शन की फोटो भेज दी थी, साथ ही उसकी लोकेशन भी बता दी थी। सारा उस ड्रग को ले लेती है और बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं, जिसे सबको उसके बारे में ये पता चल जाता है कि सारा एक ड्रग एडिक्ट है। उससे उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती है। जहाँ पर जिन भी पहुँच आती है और डोंग से बोलती है कि फिक्र मत करो सारा, वह जल्दी ही जेल से बाहर निकल जाएगी। जहाँ डोंग भी उसे कहती है हाँ वो शायद जल्दी बाहर निकल सकती है, क्योंकि सारा का गुनाह तुम्हारे गुनाहों से तो बहुत कम है, लेकिन तुम हमेशा के लिए जेल में ही रहने वाली हो और तुम जेल से नहीं निकल पाओगी, ये मेरा तुमसे वादा है। जिन हंसते हुए बोलती है लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना। ये बोलते ही उसके फोन में अचानक से बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं, क्योंकि ये न्यूज फैल चुकी थी कि वेदर कास्ट रिपोर्टर जिन ने स्कूल में एक लड़की को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था और उसे मारा था, ये न्यूज डोंग की एक फ्रेंड ने ही वायरल करवाई थी, जिससे कि जिन बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाती है। एंड गाइस यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है, जिनका क्या होगा और डोंग उन सब के साथ में आगे कैसे कैसे रिवेंज लेने वाली है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी या नहीं और आपको नेक्स्ट पार्ट कब तक चाहिए।